आगे प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न नंबर 4, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें चार पार्ट दिए हैं। प्रत्येक पार्ट में हमें एक द्विघात बहुपद दिया है और इस द्विघात बहुपद का हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपदों का गुणनखंड ज्ञात करने के लिए एक विधि है मध्य पद को विभक्त करना, यानी बीच वाला पद जो है उसको दो हिस्सों में बांट करके हम इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। देखिए, उस विधि में क्या करना होता है हमें कि पहले तो एक्स स्क्वेयर का गुणांक देखिए कितना है, 12। एसर पद देखिए कितना है, 1। तो इन दोनों की आप आपस में मल्टीप्लाई करें, 12 गुणा 1 12। फिर एक्स का गुणांक देखना आपने, एक्स का गुणांक कितना, -7। तो ये दो चीज़ आपने चेक करनी है, क्या क्या, एक तो एक्स स्क्वेयर का गुणांक और एचर, इन दोनों की गुणा, और फिर उसके बाद दूसरी चीज़ आपने देखनी है एक्स का गुणांक -7। तो देखिए, अब हमें इन दोनों संख्याओं का क्या करना है कि अब हमें दो दो संख्याएं ऐसी देखनी है जिनकी गुणा करें तो कितने आए, 12 आए, और जिनका योग करें तो -7 आए। तो ऐसी दो संख्याएं होगी -4 और -3, दोनों की गुणा करेंगे तो +12 आएगा और दोनों का टोटल करेंगे तो -7 आएगा। एक बार इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ, 12x² - 7x + 1। अब देखिए, आपने क्या करना है, 12x² इसको आपने एज इट इज लिखना है, लास्ट पद भी आपने एज इट इज लिखना है। अब बीच वाला पद क्या करना आपने, -7x है तो इसको आप क्या करोगे, -4x - 3x लिखोगे। तो इस तरह से हमने बीच वाला जो पद है उसको हमने दो भागों में विभक्त कर दिया, इसलिए इस विधि को कहते हैं मध्य पद को विभक्त करना। अब पहले दो हिस्सों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 12 और 4, 4 के टेबल में आते हैं, 4 के पाड़े में आते हैं, ये एक्स स्क्वेयर और एक्स, इसमें से एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो 4 3 12 और एक्स स्क्वेयर में से एक्स 12 आ गया, बच गया एक्स, और ये 4x ऐसा कैसे 12 आ गया, तो ये 1 बच गया। इन दोनों में से -1 कॉमन ले लीजिए, ये 3x, माइनस कॉमन आ गया तो प्लस का माइनस बन जाएगा। अब 3x - 1 यहाँ, 3x - 1 यहाँ, 3x - 1 फिर कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 4x और ये -1। तो इस तरह से ये जो है हमें दो गुणनखंड इस बहुपद के प्राप्त हो गए हैं। अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में दिया है 2x² + 7x + 3। अब देखिए, पहली संख्या 2 × 3 6, और एक और देखेंगे x का गुणांक कितना, 7। अब दो संख्याएं ऐसी चूज करें, गुणा करें तो 6 आए और जिनका योग करें तो 7 आए, और दोनों ही प्लस में आना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं 6 × 6। तो इस तरह से आपने दो संख्याएं जो है वो ज्ञात करनी है। तो इन दोनों संख्याओं का क्या करना है, इसी के हिसाब से बीच वाला पद जो है वो तोड़ना है आपने दो हिस्सों में। तो पहला और तीसरा पद जो है इस स्टेप में आप चेंज नहीं करोगे, 2x² + 3, पहला और तीसरा पद तो ऐसा कैसे रखना, बीच में अर्थात एक्स वाला जो पद है उसको हम लिखेंगे, 7x को लिखेंगे 6x + 1x। अब यहाँ से 2x² और 6x में से 2x कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स, और ये एक्स कॉमन आ गया, 6 में से 2 कॉमन लेंगे, 2 3 6, यहाँ से 1 ही कॉमन आएगा, x + 3।
अब देखिए यहाँ पर भी x प्लस तीन और यहाँ पर भी x प्लस तीन है, तो x प्लस तीन फिर कॉमन आ गया, x प्लस तीन कॉमन आ गया, क्या बच गया 2x, x प्लस तीन इधर फिर कॉमन आ गया, यहाँ बच गया 1। तो इस तरह से ये जो है x प्लस तीन गुणा 2x प्लस एक इस बहुपद के गुणनखंड है। अब आगे देखिए थर्ड पार्ट, 6x² प्लस 5x माइनस 6। अब x² का गुणांक 6 और एच पद माइनस 6, 6 6 की 36 यानी माइनस के 36, x का गुणांक हो गया 5। अब दो संख्याएं ऐसी ज्ञात करनी जिनकी गुणा करें तो माइनस 36 आए और योग करें तो 5 आए। तो 9 चौके 36 होता है, तो प्लस का 9 कर दीजिए और माइनस का 4 कर दें, तो 9 प्लस में माइनस 4 प्लस का 5 आएगा, 9 चौके 36 एक माइनस एक प्लस गुणा माइनस में आएगी। तो अब इन दो संख्याओं के हिसाब से बीच वाले पद को तोड़ देंगे हम, 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। अब 6 और 9 किसके पाड़े में आते हैं, 3 में, और एक्स स्क्वेयर और एक्स में से एक्स कॉमन आ जाएगा, तो 3 दूनी 6, एक्स स्क्वेयर में से एक्स कॉमन ले लिया एक्स, और एक्स तो कॉमन आएगा, 3 3 9 बच गए यहाँ पर। 4 और 6 दो के पाड़े में आता है, दोनों में माइनस के, तो माइनस 2 कॉमन ले लें, तो 2 दूनी 4 और 2 साथ में एक्स भी है, और 2 3 6 माइनस कॉमन आ गया तो प्लस का बचेगा, 2x प्लस 3 फिर कॉमन आ गया, ये बचेगा 3x माइनस 2। तो इस तरह से हमें 6x² प्लस 5x माइनस 6 के गुणनखंड प्राप्त हो जाते हैं। अब फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट दिया हुआ है 3x² माइनस एक्स माइनस 4, x² का गुणांक 3, एचर पद माइनस 4, 3 चौके 12 माइनस 12, और x का गुणांक कितना है माइनस 1। अब दो संख्याएं आपने ऐसी ज्ञात करनी, गुणा करें तो माइनस 12 और उनका योग करें तो माइनस 1। तो ऐसी संख्याएं हैं माइनस 4 और 3, 4 3 12 होते हैं, तो माइनस का 4 प्लस का 3, क्योंकि माइनस वाला अंश जोड़ लेके आना तो माइनस वाले बड़ी कर दो और प्लस में जोड़ लेके आना तो प्लस वाले बड़ी कर दो, अगर 1 माइनस 1 प्लस किया जाए तो। यहाँ से देखिए 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आएगा तो 3x माइनस 4, इन दोनों में से एक कॉमन आएगा, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 फिर से कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा एक्स प्लस एक, तो 3x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस एक दिए गए बहुपद के गुणनखंड है। प्रश्नावली 2.4, प्रश्न नंबर 5, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में 4 भाग हैं, प्रत्येक भाग में एक त्रिघात बहुपद दिया हुआ है और इस त्रिघात बहुपद का हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो द्विघात बहुपदों की तरह से त्रिघात बहुपद के लिए कोई शॉर्ट मेथड नहीं है, एक गुणनखंड इसका हमें हिट एंड ट्रायल मेथड से ज्ञात करना होगा। देखिए कैसे करते हैं। फर्स्ट पार्ट, ये जो बहुपद दिया है इसे हम पी एक्स मान लेते हैं, पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। अब इस त्रिघात बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करने के लिए यहाँ एचर पद देखेंगे और उस एचर पद के गुणनखंड देखेंगे, यहाँ एचर पद 2 है और 2 के गुणनखंड कौन कौन से होते हैं, 1 और 2, साथ में प्लस माइनस साइन लगा देते हैं कि गुणनखंड प्लस 1 भी हो सकता है और माइनस 1 भी, इसी तरह से प्लस 2 और
माइनस दो भी हो सकता है। तो अब देखिए हमें यहाँ चार संख्याएं प्राप्त होगी, प्लस एक माइनस एक, प्लस दो माइनस दो, एक एक करके ये हम एक्स की जगह रखेंगे और जहाँ पर हमें जीरो प्राप्त हो जाए ये संख्याएं रखने पर, जहाँ पर हमें पी एक्स बराबर जीरो प्राप्त होगी वहाँ से हमें इस बहुपद का एक गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम एक्स बराबर माइनस एक रखते हैं, अर्थात पी माइनस एक जब कैलकुलेट करते हैं, माइनस एक का घन माइनस दो गुणा माइनस एक का स्क्वायर माइनस एक प्लस दो, माइनस एक का घन माइनस एक हो जाएगा, माइनस एक का स्क्वायर एक, एक दूनी दो, माइनस इंटू माइनस प्लस एक और प्लस दो। तो यहाँ से माइनस तीन और प्लस तीन और ये आ गया जीरो। तो अब बाकी क्योंकि ये पहली बार रखने पर जीरो आ गया तो प्लस एक प्लस दो माइनस दो वगैरह आपको कुछ रखने की आवश्यकता नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि पी माइनस एक बराबर जीरो है इसलिए गुणनखंड प्रमेय के अनुसार एक्स प्लस एक पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। अब क्योंकि एक्स प्लस एक इसका गुणनखंड है इसलिए यदि हम एक्स क्यूब माइनस दो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस दो को एक्स प्लस एक से भाग दें तो शेष जीरो आएगा। करके देखते हैं एक बार, यहाँ एक्स स्क्वेयर से गुणा करेंगे, एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर के एक के साथ प्लस एक्स स्क्वेयर घटाएंगे तो नीचे वाले पदों के साइन चेंज हो जाएंगे और ये एक्स स्क्वेयर के एक्स के साथ एक्स क्यूब आएगा, ये प्लस एक्स क्यूब और ये माइनस एक्स क्यूब जीरो हो जाएगा और ये माइनस दो और माइनस एक माइनस तीन एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस दो। अब एक्स को करेंगे माइनस तीन से और यहाँ एक पावर है दो पावर है तो एक एक्स से गुणा करेंगे तो माइनस तीन एक्स स्क्वेयर माइनस तीन की एक के साथ गुणा तो माइनस तीन एक्स, नीचे वाले पदों के साइन चेंज करेंगे माइनस तीन एक्स स्क्वेयर प्लस तीन एक्स स्क्वेयर जीरो हो गया, प्लस तीन एक्स माइनस एक प्लस दो एक्स प्लस दो, प्लस दो से और गुणा करेंगे तो दो एक्स प्लस दो घटाएंगे तो फिर साइन चेंज और ये जीरो आ जाएगा। अब देखिए कि एक गुणनखंड तो हमें एक्स माइनस एक प्राप्त हो गया और क्योंकि बाकी और दो गुणनखंड जो है ये जो द्विघात बहुपद हमें प्राप्त हुआ है इससे प्राप्त होंगे। तो अब देखिए एक्स स्क्वेयर माइनस तीन एक्स प्लस दो, एक्स स्क्वेयर माइनस तीन एक्स प्लस दो को हम क्या लिखेंगे कि एक और दो की गुणा दो होगी और ये मध्य पद का गुणांक जो है वो माइनस तीन है। अब दो ऐसी संख्याएं देखनी है जिनकी गुणा करें तो प्लस दो आए, जिनका जोड़ करें तो माइनस तीन आए, तो दो एकम दो होता है तो माइनस दो और माइनस एक, गुणा करेंगे तो प्लस दो आएगा, जोड़ करेंगे तो माइनस तीन आएगा। एक्स स्क्वेयर माइनस दो एक्स माइनस एक एक्स प्लस दो, यहाँ से एक्स कॉमन लिया एक्स माइनस दो, फिर माइनस एक कॉमन लेंगे एक्स माइनस दो, फिर एक्स माइनस दो कॉमन लेंगे एक्स माइनस एक, तो दो गुणनखंड हमें ये प्राप्त हो गए हैं और एक गुणनखंड ये था। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस दो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस दो बराबर, पहले लिखेंगे एक्स प्लस एक गुणा
एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 प्लस शेष 0 ही है, प्लस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष होता है, तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष तो 0 है ही। एक्स प्लस 1, अब ये देखिए इतना इतना पार्ट हमने फैक्टराइज किया था तो क्या आया था, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1। तो इस तरह से हम किसी भी दिए गए त्रिघात बहुपद का गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला गुणनखंड जो हमें हिट एंड ट्रायल मेथड से ज्ञात करना होगा कि ऐसर पद के गुणनखंड कर लीजिए, उनको वन बाय वन पुट करके देखिए, ऐसर पद के गुणनखंड कीजिए, उनके साथ प्लस माइनस साइन लगा करके वन बाय वन संख्याएं पुट करके देखिए, कहीं ना कहीं आपको एक जीरो ज़रूर आ जाएगा। तो वहाँ से आपको गुणनखंड प्रमेय द्वारा एक गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा। वह एक गुणनखंड प्राप्त होने के बाद आप इस त्रिघात बहुपद को उस गुणनखंड से भाग दीजिए, उससे हमें एक द्विघात बहुपद प्राप्त होगा। द्विघात बहुपद का आप मध्य पद विभक्त करके आप गुणनखंड प्राप्त कर लीजिए। तो इस तरह से हमें दो गुणनखंड द्विघात से एक यहाँ से, ये तीन गुणनखंड जो है हमें दिए गए त्रिघात बहुपद के प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाकी तीन पार्ट भी इसी तरह से हैं, इनको भी हम एक एक करके अभी सॉल्व करते हैं। अब दूसरा पार्ट देखिए, दूसरे पार्ट में जो बहुपद दिया उसे हम पी एक्स मान लेते हैं, जो है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 9x माइनस 5। अब माइनस 5 के गुणनखंड देखिए, पाँच देखिए किस किस के टेबल में आता है, एक की टेबल में आता है और पाँच की टेबल में आता है, तो इनके साथ प्लस माइनस साइन और लगा दीजिए। अब हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते हैं पहला गुणनखंड प्राप्त करने के लिए, तो पी माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1 का घन माइनस 3 गुणा माइनस 1 का स्क्वेयर माइनस 9 गुणा माइनस 1, एक्स की जगह माइनस 1 पुट कर रहा हूँ मैं, माइनस 1 का घन माइनस 1 हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, प्लस 1 गुणा माइनस 3 माइनस 3 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 9 माइनस 5, माइनस के हो गए 1 और 3 4 5 9, माइनस 9 प्लस 9 कुल मिला के आ गया 0। तो हम यहाँ कहेंगे क्योंकि p माइनस 1 बराबर 0 है, इसलिए गुणनखंड प्रमेय के अनुसार x प्लस 1, यानी इसका साइन चेंज करके जोड़ दीजिए इसमें, x प्लस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है। अब एक गुणनखंड तो हमें प्राप्त हो गया, बाकी दो और गुणनखंड प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, पी एक्स को एक्स प्लस 1 से भाग देंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 9x माइनस 5, इसे आप एक्स प्लस 1 से भाग दें, ये एक्स पावर 3 है, ये एक्स पावर 1 है, तो एक्स स्क्वेयर से गुणा करेंगे, एक्स पावर 3 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब घटाएंगे तो माइनस माइनस, ये प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब 0 हो गया, माइनस 3 और माइनस 1 माइनस 4x स्क्वेयर माइनस 9x माइनस 5। अब देखिए ये गुणांक बराबर करने के लिए माइनस 4 से गुणा, पावर बराबर करने के लिए x से गुणा, तो माइनस 4x स्क्वेयर और माइनस 4x घटाएंगे, माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 4x स्क्वेयर 0, माइनस 9x प्लस 4x, तो माइनस 5x और ये माइनस 5। अब गुणांक बराबर करने के लिए माइनस 5 से गुणा, पावर बराबर है ही, तो माइनस 5x माइनस 5 बराबर, और यहाँ देखिए साइन चेंज करेंगे तो ये भी 0 0, शेष आ गया 0।
अब ये जो द्विघात बहुपद आ गया इसके गुणनखंड बनाइए, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 5, एक्स का गुणांक हो गया 1 और अचर पद हो गया माइनस 5 और मध्य पद का गुणांक हो गया माइनस 4। अब हमें दो अंक ऐसे ढूंढने हैं जिनके गुणा करें तो माइनस 5 आए, प्लस करें तो माइनस 4 आए। तो माइनस 5 और प्लस का 1, ये दो संख्याएं हमें प्राप्त हो गई हैं। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 1x माइनस 5, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5, फिर x माइनस 5 कॉमन लेंगे x प्लस 1, तो ये दो गुणनखंड हमें और प्राप्त हो गए हैं। अब देखिए हम लिखेंगे कि पी एक्स बराबर क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 9x माइनस 5। इसे हम क्या लिख सकते हैं, भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, एक्स प्लस 1 गुणा भागफल है एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 5, प्लस शेष 0 लिखना ज़रूरत नहीं है, एक्स प्लस 1। अब इसके देखिए, इसे हमने एक्स माइनस 5 गुणा एक्स प्लस 1 के बराबर कहा है, एक्स माइनस 5 गुणा एक्स प्लस 1, तो ये जो है दिए गए बहुपद के तीन गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए हैं। अब इसी तरह से पार्ट 3, यहाँ दिए गए त्रिघात बहुपद को हम पी एक्स मान लेते हैं, पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वेयर प्लस 32x प्लस 20। अब 20 के गुणनखंड, 20 देखिए किस किस की टेबल में आता है, एक से डिवाइड हो जाता है, दो से हो जाता है और चार से हो जाएगा, पाँच से हो जाएगा, 10 से हो जाएगा और 20 से हो जाएगा। तो 20 के गुणनखंड हो गए प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 10 और प्लस माइनस 20। तो पिछले क्वेश्चंस की तरह से ही पहले p माइनस 1 पुट करके देखेंगे, p माइनस 1 में 0 ना आएगा तो फिर प्लस 1 पुट करेंगे, इसी तरह से उसमें भी ना आए तो माइनस 2 फिर प्लस 2, इस तरह से पुट करते जाएंगे, जहाँ 0 आ जाए वहाँ से हमें एक गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले पी माइनस 1 पुट करके देखते हैं, इसमें एक्स की जगह माइनस 1 प्लस 13 गुणा, फिर एक्स की जगह माइनस 1 ऊपर स्क्वेयर है प्लस 32 गुणा माइनस 1 प्लस 20, माइनस 1 का घन माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वेयर प्लस 1, प्लस 1 गुणा 13, 13 हो गया, 32 गुणा माइनस 1 माइनस 32 प्लस 20, माइनस माइनस वाला अलग ऐड कर लीजिए, माइनस 1 और माइनस 32 माइनस के 33, प्लस प्लस वाला अलग ऐड कर लेंगे, 13 प्लस 20 प्लस 33 और ये आ गया 0। तो हमें और कोई पुट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ 0 आ गया है, इसलिए गुणनखंड प्रमेय द्वारा ये माइनस 1, पी माइनस 1 0 आया तो पी माइनस का उल्टा प्लस एक्स प्लस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो हम क्या करेंगे, पी एक्स को एक्स प्लस 1 से भाग देंगे, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वेयर प्लस 32x प्लस 20, इसे हम एक्स प्लस 1 से भाग देंगे,
यहाँ एक्स क्यूब और ये एक्स है, तो एक्स स्क्वेयर से गुणा करेंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर, माइनस करेंगे तो नीचे वाले पदों के साइन चेंज, प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब जीरो, 13x² माइनस 1x², 12x², 32x प्लस 20, सारा ही नीचे उतार लें। उसके बाद गुणांक बराबर करने के लिए प्लस 12 से गुणा, और पावर बराबर करने के लिए ये 2 पावर 1, तो एक्स पावर 1 से गुणा, तो ये हो जाएगा 12x की x के साथ गुणा 12x², 12x की 1 के साथ गुणा 12x, ये 0 हो गया। 32 माइनस 12, 20x प्लस 20। अब गुणांक बराबर करने के लिए 20 से गुणा, पावर बराबर है ही 20x, 20 की 1 के साथ गुणा 20, घटाएंगे तो साइन चेंज और ये 0 हो जाएगा। अब हमें एक द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया, x² + 12x + 20। अब इसे मध्य पद विभक्त करके हम इसके गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे कि x² का गुणांक 1 है, रहचर पद 20 है, तो दो अंक ऐसे चूज करेंगे जिनकी गुणा करें तो 20 आए, और x का गुणांक है 12, तो दो अंक ऐसे चूज करें जिनकी गुणा करें तो 12 आए, जोड़ करें तो सॉरी दो अंक ऐसे चूज करेंगे जिनकी गुणा करें तो 20 आए और जोड़ करें तो 12 आए, तो ऐसे होंगे 10 × 20, 10 और 2, x² + 10x + 2x + 20। ये इन दोनों पदों में से x कॉमन आ जाएगा तो x + 10 हो जाएगा, इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा तो x + 10 फिर हो जाएगा। अब आगे देखिए, x + 10 कॉमन फिर आएगा, ये बचेगा x + 2। अब हम देखिए, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष होता है, इसलिए पी एक्स जो है वो किसके बराबर है, x³ + 13x² + 32x + 20, ये किसके बराबर होगा, ये भाज्य है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, प्लस से आता है, प्लस 0 है ही, तो प्लस में 0 करने का कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। अब x + 1 और ये वाला जो द्विघात बहुपद है इसके हमने गुणनखंड बनाए x + 10 और x + 2, तो ये जो है दिए गए त्रिघात बहुपद के गुणनखंड है। अब फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में हमें बहुपद दिया है 2y³ + y² - 2y - 1। अब क्योंकि ये बहुपद y में है इसलिए पी एक्स के बजाय यहाँ पर पी वाई मानेंगे। अब उसी तरह से एचर पद के गुणनखंड -1 के गुणनखंड होंगे, 1 1 की टेबल में आता है, तो -1 के गुणनखंड ±1 यही होंगे, तो पहले p -1 रखेंगे, y की जगह -1 रखने पर क्या आएगा, 2 - 1 पावर 3 प्लस y की जगह -1 पावर 2 -2 × -1, और फिर ये -1 दिया ही है, -1 की पावर 3 -1 होता है, -1 की पावर 2 +1, -×-+ और -1, -2 + 1 +2 - 1, तो -2 और -1 -3 हो गया, +1 और +2 +3 हो गया, और ये आ गया 0।
इसलिए गुणनखंड प्रमेय के अनुसार एक्स प्लस एक पी वाई का गुणनखंड है। अब दो वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वेयर माइनस दो वाई माइनस एक को हम एक्स प्लस एक सॉरी वाई प्लस एक से भाग देते हैं। तो पहले वाई का गुणांक कंपेयर करते हैं, दो लगाना पड़ेगा, और पावर कंपेयर करें तो पावर भी दो लगानी पड़ेगी। दो वाई स्क्वेयर से गुणा करते हैं, दो वाई क्यूब प्लस दो वाई स्क्वेयर, माइनस करेंगे दो वाई क्यूब, और ये माइनस का दो वाई क्यूब है, जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर ये वाई स्क्वेयर, और यहाँ पर माइनस दो वाई स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वेयर माइनस दो वाई माइनस एक। यहाँ पर माइनस वाई से मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस वाई स्क्वेयर और माइनस वाई की एक के साथ माइनस वाई, ये जीरो हो गया। माइनस दो और प्लस का एक, माइनस वाई माइनस एक। अब माइनस एक से गुणा कीजिए, माइनस वाई माइनस एक, ये भी जीरो आ गया। अब ये जो द्विघात बहुपद में प्राप्त हुआ है दो वाई स्क्वेयर माइनस वाई माइनस एक, इसके गुणनखंड करते हैं। तो दो एकम दो, माइनस के दो, और ये माइनस एक। दो अंक ऐसे चूज करें कि गुणा करें तो ये आए, प्लस करें तो माइनस एक आए। तो दो एकम दो, माइनस का दो और प्लस का एक, दो वाई स्क्वेयर माइनस दो वाई प्लस वाई माइनस एक। यहाँ से दो वाई कॉमन लेंगे, वाई माइनस एक, प्लस यहाँ पर भी एक कॉमन लेंगे, वाई माइनस एक, वाई माइनस एक कॉमन लेंगे, दो वाई प्लस एक। ये हमें दो गुणनखंड और प्राप्त हो गए। अब वही कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, दो वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वेयर माइनस दो वाई माइनस एक बराबर वाई प्लस वन इंटू दो वाई स्क्वेयर माइनस वाई माइनस एक। वाई प्लस वन को यूँ का यूँ रखो, और इसकी जगह ये दोनों रख दीजिए, वाई माइनस एक इंटू दो वाई प्लस एक। तो ये दिए गए बहुपद के तीन गुणनखंड आ जाते हैं। तो इसी के साथ ही ये प्रश्नावली 2.4 समाप्त हो जाती है। तो इस प्रश्नावली के जितने भी एग्जाम्पल हैं आप ज़रूर करें, और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस कॉर्नर पर सब्सक्राइब बटन है, इसे दबा करके सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन एक्टिवेट करने के लिए घंटी का बटन दबाएं, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। अगर आप नोटिफिकेशन एक्टिवेट करते हैं तो मेरे नए वीडियो आपके पास ईमेल या यूट्यूब के माध्यम से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। आपने इस लेक्चर को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।